हेलो एवरीवन, मैं अरुण झा आपका फिर अपने इंजीनियर्स पॉइंट झांसी चैनल में बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। दोस्तों, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग धमाका करने वाले हैं और बहुत ही खास क्वेश्चन लगाने वाले हैं इंजीनियरिंग सर्विसेज के, जिस प्रकार के क्वेश्चंस आपके जेई और एई के एग्जाम्स में रखे जाते हैं। इस टाइप के सेम क्वेश्चन गेट के एग्जाम में भी रखे जा रहे हैं, लेकिन हाल ही में इस प्रकार के क्वेश्चन ईएससी में तो आ ही रहे हैं और जेई और एई के एग्जाम में भी रखे जा रहे हैं। जैसा कि आपका डीएफसीसीएल का एग्जाम होना है, उसमें इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स इसी वाले पार्ट में दिया गया है, ठीक है? तो इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स वाला जो पार्ट है वो इसी वालों के लिए, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन वालों के लिए बहुत कारगर सिद्ध होगा। और जो हमारे इलेक्ट्रिकल वाले स्टूडेंट हैं, उनके लिए जितने भी इक्विवेलेंट एग्जाम्स होते हैं जिनमें इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स की रिक्वायरमेंट होती, उन सभी के लिए ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो आप इस वीडियो में बने रहिएगा और शुरू से लेकर लास्ट तक हम लोग एक एक कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छे से इस वीडियो लेक्चर में देखने वाले हैं। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन दोस्तों इसमें दिया गया है, द रेसिड्यू एट द सिंगुलर पॉइंट जेड इक्वल्स टू माइनस टू, जेड इक्वल्स टू माइनस टू पे रेसिड्यू निकालना है आपको, एक फंक्शन एफ जेड दिया गया। तो रेसिड्यू हम लोग निकालते कैसे हैं? हालांकि रेसिड्यू को कंप्लीटली समझने के लिए इस पर मैंने एक और कंप्लीट वीडियो बना रखा है अपने चैनल पर, जो प्रीवियस टाइम पे मैंने बनाया था, उसको आप देख सकते हैं। हालांकि इस टाइप के क्वेश्चंस को देखने के लिए यहां पर हम इसको समझते हैं। यहाँ एफ जेड बराबर एक फंक्शन दिया है और जेड इक्वल टू माइनस टू पर आपको रेसिड्यू फाइंड करना है। क्या निकालना है? रेसिड्यू। तो दोस्तों रेसिड्यू का फॉर्मूला क्या होता है? अगर हमें रेसिड्यू फाइंड करना है, रेसिड्यू एट जेड इक्वल टू माइनस टू, तो ये फंक्शन क्या कहलाएगा? देखिए, जेड इक्वल टू माइनस टू पर हमें करना है, तो हम लोग किस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, लिमिट जेड इक्वल टू माइनस टू, और ये फंक्शन आ जाएगा आपके पास एफ जेड। तो लिमिट जेड टेंस टू इक्वल टू माइनस टू, और हमारे पास जो भी फंक्शन लिखा होगा वहां पे जेड प्लस टू ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि जेड प्लस टू और यहाँ पे बाकी फंक्शन आ जाता है एफ जेड। तो जेड इक्वल टू माइनस टू का मतलब क्या है? जेड प्लस टू। तो यहाँ पे जेड प्लस टू का मल्टीप्लाई कर देते हो और एफ जेड फंक्शन यहाँ पे लिख देंगे, या डायरेक्टली चाहते से नहीं लिखते, आप पर्टिकुलर पार्ट जो बचा रहता है वो लिख देते। तो वन प्लस जेड प्लस जेड स्क्वायर अपॉन, अगर इसको हम रखेंगे तो जेड प्लस टू से कैंसिल आउट हो जाएगा, तो आपको मिलेगा जेड माइनस वन का स्क्वायर। ये आपको पार्ट यहाँ पे मिल जाएगा देखने को। चलिए इसमें हम लोग पुट कर देंगे माइनस टू, तो माइनस टू प्लस यहाँ पर भी सॉरी यहाँ पर आएगा आपका वन, ये माइनस टू प्लस माइनस टू का स्क्वायर, यहाँ पर रखेंगे तो माइनस टू माइनस वन का होल स्क्वायर। दैट मीन्स आपके पास आया माइनस वन और प्लस फोर अपॉन यहाँ पे आए माइनस थ्री, माइनस थ्री का स्क्वायर आप कर देंगे तो आपको मिलेगा नाइन। इसका मतलब हमें मिल गया थ्री बाय नाइन, और थ्री बाय नाइन का मतलब हो गया वन बाय थ्री। तो वन बाय थ्री इसमें आपका ये करेक्ट आंसर हो गया। तो आप देख सकते हैं इसमें ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। तो कितना आसान सा क्वेश्चन था रेसिड्यू से। अच्छा, अगर मैं आपसे इसमें एक बात बोलूं कि आप इसमें हमें रेसिड्यू बताइए जेड इक्वल टू वन पर, यानी कि अगर मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, यहाँ पे जेड प्लस टू लिखा था, दैट मीन जेड इक्वल टू माइनस टू पर पूछा। इसी क्वेश्चन में हमसे पूछ सकता था कि जेड इक्वल टू वन पर बताइए, तब क्या होता? तब दोस्तों क्या होता, अगर हमसे पूछता रेसिड्यू, रेसिड्यू एट जेड इक्वल टू, जेड माइनस वन है दैट मीन जेड इक्वल टू वन, तो इस पर पूछता तो यहां पर स्क्वायर दिया गया। अगर यहां पर जेड माइनस वन या जेड प्लस वन जो भी फंक्शन दिया, इसकी पावर जितनी भी दी गई है उतने टाइम हम इसका डिफरेंशिएशन कर लेते हैं। दैट मींस यहां पर अगर मैक्सिमम पावर यहां पे टू आपको दे दी गई है, ध्यान से आप सुनेंगे मैंने क्या बोला, अगर यहां पर जेड माइनस वन की पावर टू दी गई है तो फॉर्मूला क्या होता है? फॉर्मूला होता है लिमिट जेड टेंस टू, जो भी आपको जिस पर भी निकालना है, जैसे जेड इक्वल टू वन पर निकालना है ये रखा, और जो गिवन फंक्शन है इसका हम डिफरेंशिएशन कर देते हैं, वन अपॉन फैक्टोरियल एन माइनस, अपने पास अगर टू था, इसकी पावर टू था तो टू माइनस वन दैट मीन्स वन टाइम डिफरेंशिएशन, अगर थ्री होता तो टू टाइम डिफरेंशिएशन, फोर होता तो थ्री टाइम डिफरेंशिएशन हम कर देते, दैट मीन्स एन माइनस वन यानी कि टू माइनस वन लिखेंगे, नॉर्मली आ गया। और फंक्शन अपने पास क्या है, फंक्शन यहां पर जो भी जैसे जेड इक्वल टू वन दिया था, फिर हम लोग फॉर्म लगाएंगे जेड माइनस वन, क्योंकि जेड माइनस वन के लिए है ना, जेड माइनस वन, या फाइनली हम ऐसा बोल देंगे इसका जो डिफरेंशिएशन कर दिया जाएगा, ठीक है ना, ये फंक्शन को तो हम हटा दिया जाएगा, इसको हटा देंगे और यहां पर आपके पास फंक्शन क्या मिलेगा, या पूरा फंक्शन लिखेंगे वन प्लस जेड प्लस जेड स्क्वायर। मैंने इस पर एक कंप्लीट वीडियो बनाया है, आप उसको देख सकते हैं, और यहां पर आपके पास हो जाएगा
कंप्लीटली डिफरेंशिएशन हम लोग कर देंगे z प्लस टू इस तरीके से, ठीक है। और यहाँ पर ये भी आ जाएगा कि आपका अगर देखेंगे यहाँ पे तो यहाँ पे z-1 का स्क्वायर इस तरीके से। और फाइनली यहाँ पर जो है इसको हम डिफरेंशिएशन कर देंगे, इसमें वैल्यू पुट अप करेंगे एंड फाइनली आंसर इसमें निकाल लेते हैं, ठीक है। तो ये तो मैंने इसके लिए कॉन्सेप्ट बता दिया, अगर इसकी पावर 3 होता तो हम 2 बार डिफरेंशिएशन करते इसका, इस तरीके से सॉल्व इसको कर लेते। हालांकि ये बहुत ही इजी क्वेश्चन जिसमें हमसे पूछा गया था ESE 2021, ठीक है। रेसिड्यू से रिलेटेड एक और वीडियो बनाया है, उसको आप कंप्लीटली देख लीजिएगा। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हैं, इसमें बोला है कि एक फोर्स दिया गया 2x² / i + 3xy / j। दोस्तों हमें एक प्लेन दे दिया गया जो कि 0, 0 से 1, 4 तक है। आपको बोल दिया गया इसमें कर्व जो है वो y = 4x² है, तो वर्क डन आपको बताना है। तो बहुत ही अच्छा और शानदार क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है। सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए वर्क डन का फॉर्मूला क्या होगा। तो सबसे पहले अगर आपको वर्क डन निकालना है तो आपको इस वर्क डन का फॉर्मूला पता होना चाहिए। तो वर्क डन इक्वल्स टू होता है अपने पास इंटीग्रेशन f और dl। तो यहाँ पे फोर्स हमको दिया गया है वेक्टर और dl वेक्टर हमें पता होना चाहिए। तो जब भी dl की बात करते हैं, dl का मींस होता है अगर यहाँ पे दो एक्सिस दिए गए x, y, i और j में, तो इसका मतलब हो गया आपको दिया गया है i dx + j dy। तो हम लोग इसमें रख देंगे और इसका फाइनली वैल्यू निकाल सकते हैं। f वेक्टर जो नॉर्मली हम लोगों को दिया गया है उसकी वैल्यू दी गई है, तो w बराबर वर्क डन इक्वल्स टू इंटीग्रेशन f वेक्टर कितना है 2x² / i + 3xy / j, ठीक है। आगे हमें क्या दिया गया i dx + j dy। हम लोग इसका मल्टीप्लाई कर देंगे तो i का i में होता है 1 आएगा, लेकिन i का j में होगा तो 0 हो जाएगा। इसी प्रकार से j का i में होगा तो 0 और j का j में डॉट प्रोडक्ट होगा तो 1 मिलेगा। दैट मींस इंटीग्रेशन अपने पास आएगा 2x² / dx + 3xy / dy। तो ये हमें यहाँ पे प्राप्त हो जाएगा। अब यहाँ पर हमको एक कंडीशन दी गई है। कंडीशन दी गई क्या दी गई है दोस्तों, कि एक कर्व है, ठीक है, और यहाँ पे प्लेन क्या है आपका 0, 0, 1, 4। दैट मींस x डायरेक्शन में कितना है 1 और इस डायरेक्शन में क्या है 4। यानी कि यहाँ पर हमें कोई पॉइंट मिलता है जो कि है अपना, ये पॉइंट कौन सा कहलाएगा 1, 4। इस पॉइंट को हम लोग बोल देंगे 1, 4। तो दोस्तों इसको हम लोग क्या बोल देंगे, इसको बोल देंगे 1, 4। तो जब इसको आप 1, 4 बोल दोगे तो यहाँ पर हमें फाइंड करना है कि एक जो कर्व है वो इस तरीके से यहाँ से आ रहा है और यहाँ से ऐसा निकल जा रहा है, तो और इसमें फोर्स लग रहा है, तो ये कितना इस पर वर्क हो रहा है हमको ये इसमें फाइंड करना है। तो जब आप इसको देखेंगे ध्यान से, हमें एक कर्व दिया गया, कर्व क्या दिया गया आपको, कर्व दिया गया है y = 4x². तो यहां पर जहां पर भी y दिया गया है वहां पे 4x² लिख सकते हैं। अगर इसका डिफरेंशिएशन कर देंगे तो यह आ जाएगा 8x dx, यानी कि dy की जगह हम 8x dx लिख सकते हैं। तो हम लोग इसमें लिख देंगे इंटीग्रेशन 2x² y की जगह लिख देंगे हम लोग 4x² dx, यहां पर 3x y की जगह पुनः लिख देंगे हम लोग यहां पे 4x² और dy की जगह 8x dx। इस प्रकार से अगर आप ध्यान से देखें तो आपको यहां पे मिल जाएगा 8x की पावर 4, है ना, और यहां पर मिल जाएगा आपको 8 × 32 और 32 का आप 3 में मल्टीप्लाई कर दीजिए तो आपको यहां पे मिल जाएगा 96। तो यहाँ पे आ गया आपके पास 96 और x की पावर 4, तो 96x की पावर 4 और ये dx है ना, इसको हम dx को बाहर लिख देंगे। इसको हम लोग और अच्छे से देखें तो आपका 8 और 96 हो जाएगा 104, तो 104 बाहर ले लेंगे, अंदर हो जाएगा इंटीग्रेशन x की पावर 4 dx। चूंकि यहाँ पर x है तो इस x की लिमिट हमको दी गई है 0 से लेके 1, तो यहाँ पर x डायरेक्शन में जो लिमिट दी गई है वो आपको 0 से लेके 1 दी गई है, यानी कि इसकी डायरेक्शन 0 से लेके क्या है आपकी 1 और y डायरेक्शन में क्या है आपका 4। तो ये y डायरेक्शन है, ये आपको x डायरेक्शन है, तो लिमिट आपकी 0 से लेके 1 दी गई है, तो हम इसमें लिमिट रख सकते हैं 0 से लेके 1। तो जब
इसका इंटीग्रेशन करेंगे हम लोग। जैसे देख सकते हैं आपको बोर्ड पे क्लियर विजिबल है, क्लियरली विजिबल है या नहीं, बस मैं ये देखना चाह रहा हूँ। हाँ जी, आपको क्लियरली विजिबल है, ठीक। अब ठीक है, तो यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखेंगे तो हम लोग इसका इंटीग्रेशन करेंगे 104, और यहाँ पर आ जाएगा एस की पावर 5/5, और लिमिट क्या आ जाएगी 0 से लेके 1। तो हम लोग इसमें 1-0 कर देंगे, तो 1 की पावर वैसे भी 5 अगर करते हैं जितनी भी करेंगे तो वो आपका 1 ही होता है। दैट मीन्स यहाँ पर आंसर अपना मिल जाएगा 104/5, दिस इज योर आंसर। तो इतना इजी क्वेश्चन था, आप देख सकते हैं ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो गया। ऑप्शन आपका आ गया सी, ऑप्शन सी विल बी करेक्ट आंसर। ठीक है, तो इसको नोट कर लीजिए, बहुत ही शानदार क्वेश्चन था, बहुत ही शानदार, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। और इन क्वेश्चंस को आप बहुत अच्छी तरीके से लगाएं, अपने पर्टिकुलर नोट्स बनाएं, और मजा आए तो प्लीज लाइक जरूर ठोक दें, लाइक जरूर ठोक दीजिए दोस्तों, और कमेंट जरूर करें ताकि मुझे एनर्जी मिले और मैं आपको और भी अच्छे वीडियो दे पाऊं, ठीक है ना। चलिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमसे पूछा गया है, अ डाई इज ए टॉस्ड थ्राइस, यानी कि एक डाइस है इसको हम 3 बार फेंकते हैं। तो आपको पता है कोई भी जो डाइस होती है उसमें 6 नंबर होंगे 1 से लेके 6 तक। तो जब इस आप डाइस को फेंकेंगे 3 बार आपको फेंकना है, और इसमें आगे क्वेश्चन बोला है, अ सक्सेस इज गेटिंग 1 और 6 ऑन अ टॉस। या तो हमें 1 मिलेगा या फिर हमें 6 मिलेगा, यानी कि 1 मिलेगा या 6 मिलेगा, इनमें से कोई एक वैल्यू मिलती है। द मीन एंड वेरियंस ऑफ द नंबर ऑफ सक्सेस आर, तो हमें इसमें मीन निकालना है। क्या निकालना है दोस्तों? मीन, और दूसरी चीज इसमें निकालना है वेरिएंस। तो क्या है ये मीन और वेरिएंस, ये आपको निकालना है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे यहां पे टॉस्ट की। तो टॉस्ट कितना होना है यहां पे? सॉरी, थ्राइस, 3 बार होना है, टॉस्ट होना है 3 बार। देखिए बहुत ही आसान सा क्वेश्चन पूछा गया था एग्जाम में, ईएससी 2021 में, और ये प्रोबेबिलिटी का आपका एक क्वेश्चन है। ठीक है, आपको कुछ चीजें पता होना चाहिए, जैसे एम क्या होता है, एन पी क्या होता है, आर क्या होता है, ये सब चीजें पता होना चाहिए। तो एन पी की मैं बात करूं तो इसे हम एन पी लिख देते हैं, यानी कि मीन जो होता है, मीन को हम लोग स्मॉल एम से डिनोट करते हैं, और ये बराबर होता है आपके एन पी के। क्वेश्चन आप ध्यान से देखें, इसमें बोला है डाई इज टोस्ट थ्राइस्ट, यानी कि टोस्ट कितने बार किया जाता है? टोस्ट हम करते हैं 3 बार, यानी कि 3 बार डाइस को ऐसे उछालते हैं, यानी कि एन की वैल्यू कितनी हो गई? 3। एन की वैल्यू यहाँ पे दी गई 3। देखिए जो दिया है नंबर ऑफ टॉस्ट, ये आपका 3 हो गया। आगे क्वेश्चन में बोला है सक्सेस इज गेटिंग 1 और 6 ऑन अ टॉस्ट। तो यहाँ पर जो आर की वैल्यू दी गई है, यहाँ पे एक आर है, आर की वैल्यू दी 1 और 6, यानी कि आप जब 3 बार टॉस्ट करते हैं, 3 बार डाइस को फेंकते हैं, तो या तो आपको 1 मिलेगा या आपको 3 मिलेगा, इनमें से कोई एक वैल्यू आपको मिलेगी, तो सॉरी 6 मिलेगा, इनमें से कोई एक वैल्यू आपको मिलेगी। तो यहां पर जो अगर हम मीन निकाले, मीन अभी निकालते हैं, तो यहां पर अपने पास पी की वैल्यू क्या आएगी? यहां पर अपने पास पी की वैल्यू क्या आएगी कि नंबर ऑफ हैपनिंग, हैपनिंग क्या होगी? तो आपको पता है 3 बार टॉस किया और 3 में से 1 वैल्यू आपको मिलेगी, ठीक है ना, एक वैल्यू आपको यहाँ पे मिलने वाली है। तो हम लोग इसमें लिख देंगे 1/3। इसके आगे अगर बात करें मीन वैल्यू आपको यहाँ पे निकालना है, तो मीन का फॉर्मूला क्या होता है? मीन इक्वल टू होता है एन पी। मीन इक्वल टू कितना होगा आपका? मीन इक्वल टू होगा एन पी। तो हम लोग इसमें पुट करेंगे 3, और यहाँ पे आ जाएगा 1/3, तो ये आपका आगे आंसर 1। तो मीन कितना आ गया इसमें क्वेश्चन में निकल के? 1। मीन इसका 1 निकल के आ गया। अब क्वेश्चन में बोला था वेरियंस और फाइंड करिए, तो देखिए वेरियंस क्या होता है? वेरियंस होता है एन पी क्यू। तो n कितना है? n आपको पता है 3। p कितना है? 1/3। अच्छा q कितना होता? p है नंबर ऑफ हैपनिंग, और q होता है 1 - 1/3, या नंबर ऑफ नॉट हैपनिंग, दैट मींस 2/3। तो यहां पे 2/3 आ जाएगा, आपको पता है इससे कैंसिल होगा, आपके पास आंसर आ गया 2/3। तो वेरिएंस यहां पे कितना निकल के आ गया? वेरिएंस निकल के आ गया आपके पास 2/3। 2/3 इज द करेक्ट आंसर। तो इसमें वेरिएंस 2/3 आ गया और मीन आ गया 1/3। आप इस कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छे से कर लीजिएगा। तो ऑप्शन विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट? 1 और 2/3, यानी कि ऑप्शन बी करेक्ट। चलिए नोट करिए। इसी के साथ अगला एक क्वेश्चन दिया गया है, 0 इज अ कैरेक्टरिस्टिक रूट ऑफ द मैट्रिक्स इफ एंड ओनली इफ द मैट्रिक्स इज, कह रहे 0 कैरेक्टरिस्टिक रूट है किसी मैट्रिक्स के इफ एंड ओनली इफ।
तो मतलब किस कंडीशन में? तो देखिए ऑप्शन आप देख पा रहे हो, इसमें दिया गया आइडमपोटेंट, पीरियोडिक मैट्रिक्स, निलपोटेंट और सिंगुलर मैट्रिक्स। जितने भी मैट्रिक्स ये दी गई हैं, इन सभी में एक ना एक कैरेक्टरिस्टिक रूट जीरो जरूर आएगा, यानी कि ये है सही, सारे सही है। अब क्वेश्चन ध्यान से पढ़े, इसमें बोला है इफ एंड ओनली इफ द मैट्रिक्स इज, इफ एंड ओनली इफ यानी कि सिर्फ जीरो ही आए, तो सिंगुलर में जीरो भी आ सकता है, एक रूट जीरो भी आ सकता है और दूसरे भी हो सकते हैं। ये बिल्कुल नहीं है कि सारे जीरो होंगे, ऐसा नहीं हो सकता। आइडमपोटेंट में भी सेम और आपका पीरियोडिक में भी सेम, लेकिन निलपोटेंट एक ऐसी मैट्रिक्स है जिसमें सारे रूट्स आपके जीरो प्राप्त होंगे, यानी कि आप बोल सकते हैं कि लैम्डा वन लैम्डा टू लैम्डा थ्री, अगर थ्री इंटू थ्री की मैट्रिक्स है या टू इंटू टू की है, तो लैम्डा वन लैम्डा टू वो आपका जीरो होगा, यानी कि इसका आंसर क्या हो जाएगा, आप देख सकते हैं आंसर होगा आपका निलपोटेंट, यानी कि इसमें सारे जीरो होना चाहिए। सारे जीरो किसमें होंगे, निलपोटेंट में। किसमें होंगे, निलपोटेंट मैट्रिक्स, निलपोटेंट मैट्रिक्स, ठीक है ना, इसको आप याद रखेंगे, मैट्रिक्स का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। और मित्रों आज की क्लास का ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है आपके लिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस टाइप्स के क्वेश्चंस जब पेपर में आ जाते हैं तो लोग हिला नहीं पाते, क्यों? क्योंकि इसमें कुछ ना कुछ कॉन्सेप्ट्स लग रहा है, ये नॉर्मल इंटीग्रेशन नहीं है। तो ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम लोग कुछ कॉन्सेप्चुअल लॉजिक का इस्तेमाल करते हैं, वो आप यहाँ पे नया सीखने वाले हैं। तो जितने भी ESE के एस्पायरेंट हैं या गेट के हैं या जूनियर इंजीनियर या असिस्टेंट इंजीनियर के एस्पायरेंट हैं, टोटल टेक्निकल ग्राउंड की बात करें तो ये क्वेश्चन आपके लिए रामबाण सिद्ध होने वाला है। तो चलिए देखते हैं। देखिए ये क्वेश्चन है, इसमें बोला है कॉस की पावर 4 3 थीटा, साइन की पावर 3 6 थीटा और डी थीटा। तो यहाँ पे इसकी पावर 3 दिया गया है, ये 6 थीटा है, ये 3 थीटा है। तो हम लोग कुछ इसमें ऐसा करें कि 3 थीटा जो आपको दिया गया है, इस 3 थीटा की जगह हम लोग इसे मान लेते हैं x। क्या मान लेते हैं दोस्तों, इसे x मान लेते हैं। तो जब इसे x मान लोगे तो यहाँ पे होगा 3 d थीटा इक्वल्स टू डी एक्स, इसकी जगह में ऐसा लिख सकते हैं, इसकी जगह हम ऐसा लिख सकते हैं। तो चलिए हम लोग इसमें पुट कर देते हैं, इसको सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। 4/6 यानी कॉस की पावर 4, और यहां पर आ जाएगा अपने पास 3 थीटा की जगह एक्स, और यहां पर आ गया साइन की पावर 3, और ये आपका 2 × 3 थीटा होगा, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा आपके पास 2x, कितना हो गया दोस्तों 2x, और ये अपने पास डी थीटा की जगह आ जाएगा 1/3, यहां पर आ जाएगा आपके पास 1/3 और डी एक्स, या हम यहाँ पे लिख देंगे डायरेक्टली dx/3। ठीक है, इतनी बात तो सबको क्लियर हो गई, इतनी बात तो बहुत अच्छे से आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है, तो यहाँ पे 1/3 हम अलग से लिख देते हैं, 1/3, और ये आगे इंटीग्रेशन 0 से लेके पाई बाय 4, इसे हम लिख देंगे कॉस की पावर 4x। अब देखिए ये साइन 2a की तरह काम कर रहा है, और साइन 2a का फॉर्मूला होता है 2 sin a cos a, साइन 2x का इसी प्रकार से फॉर्मूला जाएगा 2 sin x cos x। तो यहां पर अपने पास बन जाएगा 2 sin x और cos x, तो इसकी पावर आपको मिल जाएगी 3, और यहां पर ये आपके पास dx है। तो जब हम इसको और सॉल्व करेंगे 1/3 0 से लेके पाई बाय 4, ठीक है 0 से लेके पाई बाय 4, अच्छा सॉरी यहां पे मैंने पावर गड़बड़ कर दी, यहां पर मैंने x लिया, तो जब आप यहाँ पे 0 पुट करेंगे तो x की लिमिट 0 होगी, लेकिन जैसे ही आप पाई बाय 6 रखेंगे तो 3 से कैंसिल होगा, तो यहाँ पे मिल जाएगा आपको पाई बाय 2, क्योंकि यहाँ पे हम x रख चुके हैं। ठीक है, कितना हो जाएगा पाई बाय 2। देखिए मैंने क्या बोला, आपकी थीटा जो है, थीटा की वैल्यू कितनी, 0 है, तो x की लिमिट 0, लेकिन पाई बाय 6 रखेंगे तो 3 कैंसिल करेगा, 6 को काटेगा तो पाई बाय 2 हो जाएगा, तो x की लिमिट कितनी हो जाएगी पाई बाय 2। तो थीटा की पाई बाय 6 थी, x की कितनी हो गई पाई बाय 2, तो ये 0 से लेके पाई बाय 2 आपका चलेगा। अब यहां पर अगर मैं बात करूं तो 2 की पावर 3 कितना हो जाएगा 8, इस 8 को मैं यहां पे लिख दूंगा। ठीक है, अच्छा यहां पर क्या हो गया आपके पास, ये कॉस की पावर 4 है, यहाँ कॉस की पावर 3 हो जाएगा, तो इसे लिख सकते हैं कॉस की पावर 7x, ये कॉस की पावर 7 हो जाएगा यहाँ पे x, यहाँ पे साइन की पावर आपको मिल जाएगी 3x, और ये हो गया अपने पास dx। देखिए हमने कितनी आसानी से इतना पार्ट इसको लिख दिया। तो देखिए कॉस की पावर 4x है, यहाँ कॉस की पावर 3x है, टोटल कॉस की पावर 7x, ये साइन की पावर 3x, 2 की पावर 3 8 होता है, 8 को मैंने यहाँ पे पहले सजेस्ट कर दिया। चलिए
ये एक अपने पास फॉर्मूला होता है, अगर आपको जानकारी नहीं है तो मैं यहाँ पे बता दूँ, अपने पास एक फॉर्मूला होता है। क्या फॉर्मूला होता है कि इंटीग्रेशन इंटीग्रेशन कॉस की पावर इंटीग्रेशन, इसको थोड़ा सा नीचे लिखूंगा मैं, इंटीग्रेशन कॉस की पावर पी एक्स साइन की पावर क्यू एक्स और डी एक्स बराबर 1/2 इंटू इंटू गामा पी प्लस 1/2 इंटू गामा क्यू प्लस 1/2 अपॉन अपॉन अंडर अपॉन गामा पी प्लस क्यू प्लस 2/2। तो ये आपके पास फॉर्मूला होता है, ये आपके पास एक बेसिक सा फॉर्मूला होता है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का। ये गामा एक एलिमेंट है और गामा फंक्शन को सॉल्व किस प्रकार से करते हैं, अगर मान लीजिए कोई अपने पास एक गामा फंक्शन है जो लिखा हुआ है एक्स, ध्यान से आप सुनेंगे, तो इसका सॉल्यूशन क्या निकल के आएगा, इसका सॉल्यूशन निकल के आता है ये, अगर हम लोग नॉर्मल एक फैक्टोरियल सॉल्व करते थे तो उसमें एक्स बाहर लेते थे तो अंदर एक्स माइनस वन आता था, इसमें क्या आता, जो अंदर होगा वही बाहर, यानी कि बाहर भी एक्स माइनस वन और अंदर भी फैक्टोरियल के बाद यहाँ पे भी एक्स माइनस वन, इस प्रकार से सॉल्व करते, क्लियर है। तो वहां पर अगर एक्स माइनस वन बाहर बाहर लेते थे तो एक्स माइनस टू चलता था, ठीक है, इसमें दोनों तरफ आएगा। अगर इसको और सॉल्व करेंगे तो आपका एक्स माइनस वन तो है ही और यहां पर एक्स माइनस टू आ जाएगा बाहर और यहां पर गामा में एक्स माइनस टू फिर से हम इसको लिख देंगे, तो इस तरीके से हम इसको लिख देते हैं, ठीक है। आपको क्लियरली विजिबल है या नहीं, ठीक है, क्लियरली विजिबल। तो चलिए इसको हम लोग देखते हैं आगे, तो कितना हो जाएगा 8/3 अपनी जगह, यहां पर हम लोग लिख देंगे सबसे पहले 1/2, 1/2 ऊपर क्या आएगा गामा, गामा 7+1 कितना, 7+1 यानी कि 8/2, तो 7+1 यानी कि 8/2 यानी कि कितना आ गया गामा 4। अगला क्या होगा गामा 3+1/2 यानी कि 4/2 तो 2। अच्छा यहां पर कितना होगा 7+3 10 और 10+2 12 12/2 गामा 6, इसे लिख देंगे गामा 6, इसे आप गामा 6 लिख देंगे। चलिए इसको मैं सॉल्व कर दूंगा, इसे कैंसिल आउट करेंगे, 4/3 आ जाएगा आपके पास, ये 4/3 आ जाएगा, गामा 4 अगर मैं ऐसे ही लिखा रहने दूं, ठीक है, इसे गामा 2 और गामा 6 है, तो अगर हम इसमें जैसे अगर नॉर्मल मैंने बोला फैक्टोरियल सॉल्व करते थे 6 बाहर आता था अंदर होता था 6 - 1 यानी कि 5 बचता था, यहाँ पे जो 5 बचता है वही 5 बाहर रखते वही 5 अंदर रखते, तो यहाँ पे आएगा 5 और गामा ये 5, ठीक है। अगर इसको मैं और सॉल्व करूं तो यहां पर देखिए इसको मैं लिख सकता हूं इसी फंक्शन को 5 5, नॉर्मल फैक्टोरियल में 5 बाहर लेते थे तो अंदर 4 होता था, तो यहाँ पे जो अंदर होगा वही बाहर, तो यहाँ पे आएगा 4 4 गामा 4 इस तरीके, तो देखेंगे ये इससे पूरा कैंसिल हो जाएगा, तो आपको कितना मिल जाएगा ये 4 से 4 यहाँ कैंसिल हो जाएगा, ये नीचे आ गया 1/15 और ऊपर कितना आ गया अपने पास, ऊपर आ गया ये गामा फंक्शन, तो गामा फंक्शन ये आपका इस तरीके से हो गया। गामा 2 की वैल्यू अगर 2 यहाँ पे लिखा है तो ये होता 1 गामा 1, तो वो आपका 1 ही हो जाता है, दैट मीन्स यहाँ पे आ गया 1/15 1/15, तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, ऑप्शन ए आपको यहाँ पे आंसर मिल जाएगा। तो दोस्तों इस क्वेश्चन में हमारे पास आंसर कितना आ गया 1/15, तो देखिए कितनी आसानी तरीके से हमने इसको सॉल्व कर दिया। आपको ये बेसिक लॉजिक आना चाहिए थे, अगर आप फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हो और नई चीज सीखने को मिली है तो जरूर लाइक करें, कमेंट जरूर करें, तो मुझे पता चले कि हाँ आप लोग वास्तव में पढ़ रहे हैं और स्टडी कर रहे हैं और डेफिनेटली यू विल गेट सक्सेस इन योर फ्यूचर। ओके दोस्तों, तो आई थिंक आप लोगों को बहुत अच्छा लगा होगा, एक एक कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हुआ होगा आज के वीडियो में, इसको आप बहुत अच्छे से नोट करिएगा, प्रॉपर तरीके से नोट्स बनाइएगा और मैंने जो बुक निकाली है जितने भी नए लोग जुड़ रहे हैं उस बुक को परचेज करके उसके क्वेश्चंस लगाइएगा। ओके दोस्तों, इफ यू लाइक दिस सब्सक्राइब द चैनल एंड शेयर द वीडियो। नमस्कार, शुक्रिया, आदाब, जय हिंद।